लाइफ से हर न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए लाइफ से हर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश झा। आप देख रहे हैं लाइव शिवहर के माध्यम से। मैं अभी यहां पर उपस्थित हूं शिवहर जिले से सटे 5 किलोमीटर उत्तर साइड में, जो कि पड़ता है आपको पिपराढ़ी ब्लॉक के परिसर में। मैं अभी बाहरी क्षेत्र में यहां पर उपस्थित हूं और ये मुद्दा यहां पर यह है कि पिपराढ़ी ब्लॉक में पड़ता है कुआमा पंचायत के जो तमाम जनता लोग अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनका सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पर यह है कि कहना है कि जब बाढ़ में जब हम लोग त्राहिमाम थे, जब सारी जनता कुआमा पंचायत की त्राहिमाम थी, उस समय प्रशासन कोई भी पदाधिकारी देखने तक के लिए भी यहाँ पर मेरे पास नहीं पहुँचे। और जब बाढ़ की पानी जब खत्म हो गई तो तमाम लोग सर्वेयर होकर कोई वीडियो द्वारा भेजा गया या डीएम द्वारा भेजा गया, समाहर्ता महोदय द्वारा भेजा गया, बाढ़ स्पेशल डीएम द्वारा भेजा गया सर्वेयर करने के लिए। जब पानी खत्म हो गई तब लोग पहुंचे पदाधिकारीगण। उसके बाद पता यह चला कि पानी जब खत्म हो गई तो इस व्यक्ति को कहां से मिलेगा, बाढ़ का पूरा राहत नहीं दिया जाएगा। और मेन सबसे बड़ी बात यह है कि बाढ़ पीड़ित होते हुए भी उसके बाद कुआमा पंचायत में आज तक कभी भी आंशिक रूप से मात्र किया गया है, जो कि थर्ड प्लेस दिया गया हुआ है, तीसरा स्तर बनाया गया हुआ है और वो भी आंशिक रूप से। जनता का कहना है आखिर ऐसा क्यों, जब सरकार द्वारा निकली है तो मुझे पूर्ण रूपेण से इसका भरपाई मिलनी चाहिए। आइए मैं तमाम जनताओं के बीच कुआमा पंचायत को लेकर, जो यहाँ पर आप तमाम महिला लोग देख रहे हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं, उसके बावजूद भी कोई भी मुआवजा नहीं मिलने पर यहाँ पर ब्लॉक में आए अंचलाधिकारी को, जो कि सीओ के पोस्ट पर हैं अभी, कौशल किशोर सिंह, उनकी घेराबंदी के लिए ये तमाम लोग यहाँ पर मुस्तैद है। मैं पूछना चाहूंगा कि आपका नाम क्या है? पुरुषोत्तम मिश्र। आप मुझे बताएंगे कि इस प्रकार की कैसे स्थिति में आप लोग, क्यों जो कौशल किशोर सिंह है, सीओ जी है, पदाधिकारी है, उच्च स्तर के पदाधिकारी है ए ब्लॉक के, उसके बावजूद भी आप लोगों ने इस प्रकार का क्यों ऐसा मुहिम उठाया किया कि कोई व्यवस्था नहीं। जिस टाइम से 10 दिन तक तो बारिश हुई, उसके बाद में आपदा आया, बाढ़ का आपदा आया, सभी आदमी जो है जितने भी लोग थे डूब रहे थे, उस समय प्रशासन सोई हुई, कोई आदमी पूछने नहीं गया कि भाई कौन कहाँ है। जब खाने का व्यवस्था कर लिए तो खिचड़ी चलाने लगे, 200 आदमी खाया, 5000 आदमी का बिल बना, ऐसा हुआ। उसके बाद अभी तक भी कोई आंशिक रूप से भी, नीचे मेरा पंचायत जो है आंशिक रूप से, प्रखंड स्तरीय भी आंशिक रूप से भी नीचे है, पंचायत तो पंचायत, प्रखंड स्तरीय भी आंशिक रूप से भी नीचे है। इसलिए सीओ साहब को कहना है कि ये भी शिवहर डिस्ट्रिक्ट में आता है और 12 जिला घोषणा है, पूर्ण घोषणा है, तो पूर्ण रूप से हम अपने सीओ साहब को कहेंगे कि ये पूर्ण रूप से करें, इनको अपने घर से तो जैसा कि आप इनसे सुना कि इनका कहना है कि खिचड़ी का मुहिम चलाकर मात्र 100 आदमी को खाना खिलाकर और 2000 आदमी का हाजिरी बनाकर और फोटो लेकर सिर्फ यहां पर जो है कि जो पेश किया गया, और जिसके कारण ये सब तमाम बहुत सारे मुद्दा है अभी, और इन तमाम मुद्दाओं को लेकर सीओ साहब के पास चलेंगे। आप तमाम दर्शकों के बीच में दिखाऊंगा कि क्या इसका रहस्य है और इस रहस्य का पूरा पर्दाफाश अभी और इस समय आप तमाम दर्शकों को मैं लिए चलूंगा और दिखाऊंगा, कब, जब मैं मिलूंगा कौशल किशोर सिंह से, जो कि सीओ साहब हैं, जब मैं उनके पास पहुंचूंगा तब। देखते रहिए लाइव शिवहर के माध्यम से, मैं हूं मुकेश झा। अब आइए, जैसा कि आप तमाम दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं, जो यहाँ पर होर लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है, किस चीज का मांग है, क्यों ऐसे नाराबाजी हो रही है, आइए मैं अभी यहाँ पर उपस्थित हूँ सीओ साहब के दफ्तर में और मैं उनसे सीधा आपसे रूबरू करवाना चाहता हूँ तमाम दर्शकों को कि इस प्रकार की क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है।
सर आप आपका नाम क्या हुआ? कौशल किशोर सिंह जो है कि जो है अंचल के जो यहाँ पर है सीओ के पोस्ट पर है और इन्हीं के खिलाफ इस प्रकार की अभद्र बातें जो कि तमाम जनता यहाँ पर कुआमा पंचायत के जो है नारीबाजी जो आप तमाम पब्लिक यहाँ पर सुन रहा है, आखिर ऐसा क्यों सर आप मुझे बताएंगे? जिस समय पानी से गिरी हुई थी उस समय डीएम साहब के निर्देशानुसार नहीं है उसको मीडिएट करना था, जहां जहां से आया पूरे अंचल में 36 जगह किचन चला है। इसके बाद सर्वे में जो पहले से अब ऑलरेडी 17 में मिला था उन लोगों का खाता सुधार करके उन लोगों को पैसा भेजा गया है। रेस्ट फिर सर्वे करे, छूटे हुए लोगों का सर्वे आ जाएगा वहां से फिर उनको भेज। सर जनता की मांग है कि मतलब आंशिक रूपेण से किया गया हुआ है, बंद किया गया हुआ है और पब्लिक का मांग है पूर्ण रूपेण से होनी चाहिए। इस मुद्दे पर आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? पूर्ण आंशिक कुछ नहीं होता है, मेल है जो प्रभावित है उनको। जब पूर्ण आंशिक नहीं होता है सर तो फिर आंशिक रूपेण से क्यों डीएम साहब द्वारा या ब्लॉक द्वारा क्यों ऐसा दिया जाता है पंचायत को कि जो इसको आंशिक रूपेण से घोषित किया जाए, ऐसा क्यों? कितना भी पानी आ जाएगा, कोई पंचायत ऐसा नहीं है तो 100% सबके घर में पानी चला जाए, इसीलिए आंशिक पूर्ण किया जाता है। जिनके घर में पानी गया है सब लाभ। अभी तो आपने बताया है ना आंशिक होता है ना पूर्ण होता है, लेकिन जो पर्याप्त होता है वो होता है। कोई भी जो अगर होगा तो उसमें आंशिक पूर्ण पूरा का पूरा पंचायत सबके घर में पानी तो जाएगा नहीं। तो यहाँ की जनता का कहना है सबों के घर में पानी था, जब पानी थी जब बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी पूरा घिरा हुआ था उस समय प्रशासन अलिशान बिल्डिंग में एसी कूलर और हवा खाकर अलिशान बिल्डिंग में सोए पड़े रहने का काम किया। जब पानी खत्म हो गई उसके बाद या और हुई कि जो सर्वे कराया जाए, इस मुद्दे पर आप बोलिए क्या बताना चाहते हैं? उस समय प्रशासन सबसे प्रचारण करके लोग। चलिए जैसे आप तमाम दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सर का कहना है कि उस समय भी प्रशासन ने निश्चित रूप से इसकी जांच की थी और लोग गए हुए थे, तो मुद्दा यहाँ पर हाई प्रोफाइल की है, जनता सामने है, अब देखना है क्या होता है। फिर भी सर आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए कि ये कैसे संभव होगा, किस प्रकार से यह मैटर को सोल्व किया जाएगा? वार्ड वाइज कर्मी नियुक्त किया गया है, उनके द्वारा सर्वे हो रहा है, होने के बाद अनुश्रमण से पास होगी वह सूची आएगी उनको जाएगा। सर का कहना है कि जो अनुश्रमण पास होगी फिर से जो है कि जो मतलब उसका चेक किया जाएगा, क्या रिवीजन चेक होगा सर? इस हंगामे पर रीचेक हो सकता है? बिल्कुल उसमें होगा ही, वैसा बुझाएगा हम लोगों से आते जांच के भेज के चेक करवा लेंगे। सीओ साहब का कहना है कि अगर इस प्रकार की बातें हैं तो निश्चित रूप से रीचेक किया जाएगा और जो प्रभावित होंगे उन्हें 100% मिलेगा। आप देख रहे हैं लाइव शिविर के माध्यम से, मैं हूं मुकेश झा, आप देखते रहिए, हर पल पल की खबर देने के लिए मैं तैयार हूं।